नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय के पूरे टाइम टेबल, पूरे शेड्यूल के बारे में जो इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ 5 टिप्स भी दूंगा कि आपको किस तरीके से जो है अपनी स्टडी को करना है और किस तरीके से जो है आप अपनी स्टडी को करके आप जो है अपना एक सीट जो है आप निश्चित कर सकते हैं। यानी देखो, सीट लेना जो है एक अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है नवोदय विद्यालय में तो आपके गांव, आपके शहर में, आपके आस पड़ोस सबको जो है ये जानकारी मिल जाती है कि भैया फलानवा का जो लड़का है ना वो नवोदय में पढ़ता है ना। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही जो है कह सकते हैं कि बहुत ही जो है अच्छी बात है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हमें भी खुशी होगी, साथ के साथ आपके घर वालों को तो होगी ही होगी। तो मैं आप लोगों को इसमें कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म था इस साल वाला, वो 17 तारीख यानी 16 तारीख को जो है इसका लास्ट डेट था, यानी 16/9 को जो है इसका लास्ट डेट था। ठीक है, सुनिएगा जरा, अभी कुछ मत बोलिएगा भैया। पहले लास्ट डेट जो था इसका कब था, वो 16 तारीख को था, बट इस डेट को जो है एक्सटेंड करके कब कर दिया गया है, अब कर दिया गया है आपके पास 23 तारीख को। यानी अब जो है आप 23 तारीख तक जो है आप अपने आप को जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और 23 तारीख तक जो है आप रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है कब तक, 23 तारीख तक। तो 23 तारीख तक जो है आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 660 प्लस जो है हम लोगों के पास नवोदय विद्यालय है ना, 607 जो है नवोदय विद्यालय है, जिसमें आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सिलेक्शन होता है और आप लोगों के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका सिलेक्शन होगा। सपोज डेट आप बिहार से हैं, बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, मान लीजिए आप सिवान डिस्ट्रिक्ट से हैं, छपरा से हैं, गोपालगंज से हैं या कहीं से भी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जो है नवोदय विद्यालय होगा। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा अपना जवाहर, तो आपके जिले में ही होगा, है ना, आपका जिला जो होगा आपके जिले में ही जो होगा नवोदय विद्यालय होगा, और उस नवोदय विद्यालय में जो है आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब इसके लिए सबसे जरूरी है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। यानी अब जो है भैया इसकी तैयारी जो है हमें कैसे करनी है, के लिए जो है हमें तैयारी जो है किस लेवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम लोग स्कूल लेवल को देखेंगे ना तो स्कूल लेवल से भैया ये बहुत हटके होता है ना। स्कूल लेवल में जो आपका होता है ये स्कूल लेवल से जो है क्या होता है, हटके होता है। मीन्स आपने जो स्कूल में किया होगा उससे थोड़ा सा एक कदम आगे जो है आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, है ना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें, आपको मैं सारा जो है डिटेल बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय की तैयारी में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपका बुक कौन सा होगा, आपको कहाँ से पढ़ना है, आपने सेल्फ स्टडी करना है कि कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है या कहीं ऑनलाइन पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को देख रहा होगा कि यहाँ पे जो है मैंने 5 टिप्स दे रखे हैं। पहला जो टिप्स रहेगा आप सभी के साथ कि एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, उसके बाद स्टडी का टाइम टेबल क्या होगा, क्योंकि आपका स्टडी का टाइम टेबल भी जरूरी है, उसके बाद बेस्ट बुक फॉर जेएनवी एग्जामिनेशन, हाउ टू रिवीजन एंड मॉक टेस्ट एंड मॉडल पेपर, ये 5 चीजें के बारे में जो है आज इस वीडियो में और आज के इस सेशन में जो है हम लोग इस 5 टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न, किसी भी भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सारी टिप्स होने चाहिए आपके पास, उसके बाद आपके स्टडी का टाइम टेबल क्या है, उसके बाद बेस्ट बुक क्या रहेगी, उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर जो है कैसे लगाना है। तो इन सभी के बारे में जो है आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अपना वो है एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है और इस एग्जाम के सिलेबस के साथ इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यानी मेंटल एबिलिटी जो है 60 क्वेश्चन रहता है, 50% का वेटेज रहता है, अर्थमेटिक 30 मिनट का रहता है और 25
परसेंटेज का वेटेज रहता है। लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज जो रहता है इसमें आपका 30 मिनट का रहता है और आपको 25% जो है इसका भी वेटेज रहता है। ये हो गई वेटेज की बात। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको किसमें कितना नंबर जो है आता है, ठीक है। यानी मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मिलता है, यानी 50 नंबर आपको मिलेगा, एक घंटे का समय रहेगा। और ये मेंटल एबिलिटी जो भी होता है ये नॉन वर्बल वाला होता है, यानी आपसे इसमें इमेज पूछेगा। रही बात गणित की, तो गणित के लिए भी आपको 1.25 मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चन रहेगा और आपको 25 नंबर दिया जाएगा, इसके लिए 30 मिनट रहेगा। लैंग्वेज जो है रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन रहेगा, 1.5 का रहेगा और ये 25 नंबर का ये भी रहेगा। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन रहेगा और नंबर जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। और एग्जाम जो रहेगा आपका कितने घंटे का होगा, तो एग्जाम जो होगा आपका 2 घंटे का होने वाला है। तो ये समझ गए भैया हम लोगों का एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम जो है किस तरीके से आता है। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 80 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, 80 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है, टाइमिंग जो है आपको 2 घंटे दी जाती है। अब यहाँ पे जो एक और चीज है वो है आपका सेकेंड जो पॉइंट है वो आप लोगों का क्या है, स्टडी का टाइम टेबल। आइए जरा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम भी जब भाई स्टूडेंट थे, हम भी जब अपने जीवन में जब पढ़ाई कर रहे थे, हमने भी बहुत बार जो है टाइम टेबल बनाया, दीवार पे चिपका दिया, टाइम टेबल बनाया, कॉपी के मेन फ्रंट पेज पे चिपका दिया, टाइम टेबल बना के कमने दीवार पे चिपकाया। कई बार मैंने टाइम टेबल बनाया और कई बार जो है मैंने उसको अलग अलग जगहों पे चिपकाया। बट जो आपके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हुआ था कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। आप अगर आप ठान लीजिएगा कि मुझे जो है आज पढ़ना है, ये इतने समय में ये चीज़ पढ़ना है, तो आप मुश्किल से मुश्किल उस चीज़ को 1 सप्ताह फॉलो करिएगा, 10 दिन फॉलो करिएगा। अगर आपको कंटिन्यू फॉलो करना होगा ना, तो आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाइएगा। तो भैया ये स्टडी का टाइम टेबल जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टडी का कोई टाइम टेबल नहीं बताऊंगा। रीज़न ये है कि कोई बच्चा सुबह स्कूल जाता है, कोई बच्चा दोपहर में स्कूल जाता है। अगर आप दिल्ली उल्ली साइड से हैं, अगर गवर्नमेंट में स्कूल में पढ़ते होंगे, तो कोई बच्चा वो इवनिंग में पढ़ने जाता होगा। तो ये स्टडी का जो टाइम टेबल है भाई, आपको अपना देखना है, यानी आपके पास आपका कितना टाइम है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है अपना स्टडी टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। और इसके ऊपर एक बार मैं कंप्लीट चर्चा करूंगा कि स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए और साथ के साथ वहां से आपको कुछ फीडबैक भी मिल पाए। तो इसके लिए एक और हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं कंप्लीट आपको वीडियो बनाऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं, और वो टाइम टेबल बिल्कुल जो है ऑथेंटिक रहेगा। उस चीज को अगर आप पालन कीजिएगा तो आप बेहतर कर पाइएगा। क्योंकि आपको देखो कोचिंग का कुछ स्टूडेंट रहता है, 3-4 घंटे जो है कोचिंग में जाइए, उसके बाद सेल्फ स्टडी कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी करके जो है आप बेहतर से बेहतर चीजें कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय के लिए गाइड्स और बुक। यहाँ पे जो भी मैंने बुक का नाम दिया है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जो है इस बुक का जो है पब्लिक कर रहा हूँ। ये बस मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये अरिहंत का आता है, उसके बाद जो है आपको किरण पब्लिकेशन का भी मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको एडुकार्ट का आता है उसका मिल जाएगा। तो आप गाइड कोई सा भी ले लीजिए, गाइड लेने से ये हो जाएगा कि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, किस टाइप का पैटर्न आपके एग्जाम में है। और गाइड से आप ये मत समझिएगा कि अगर मैं किसी भी पब्लिशर का गाइड ले लूंगा तो गाइड पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गाइड पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, गाइड आपको क्या बताएगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है, गाइड आपको ये बताएगा कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन को लगाना कैसे है, मैथ के क्वेश्चन को कैसे करना है, हिंदी के जो भी हमारे अनुच्छेद आते हैं उस अनुच्छेद को करना कैसे है। क्योंकि बुक में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस चीजें होती हैं, तो आप उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हाउ टू रिविजन। भैया रिविजन कैसे करें, सपोज डेट कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया, मान लीजिए आपने मैथ का ये सारा टॉपिक जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब आपने टॉपिक को पढ़ लिया। अब इसकी रिविजन की अगर चर्चा करें तो रिवीजन कैसे होगा, तो रिवीजन जो करना है वो आपको 3:2:1 में करना है। ये रिवीजन का एक तरीका है। रिवीजन का कौन सा तरीका है,
3 2 1 याद रखना है क्या? 3 2 1। 3 का मतलब क्या है कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसको 3 बार एटलीस्ट क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, कोई भी चीज पढ़िएगा तो उसको अंडरलाइन ऐसे कर करके पढ़ना है। उसको कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। अब 3 बार पढ़ने के बाद क्या करना है, 2 बार उस चीज को बिना देखे पढ़ना है ना। पहले आप देख के पढ़िए 3 बार, फिर उसको 2 बार बिना देखे कोशिश कीजिए, मन में पढ़ने का कोशिश कीजिए कि मैं जो है कि जो जो मैंने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को मेरे को कितना याद हो गया। और फाइनली एक बार उस टॉपिक को क्या करना है, आपको लिखना है। कहीं कॉपी में लिखिए, कहीं आप बोर्ड का यूज करते हैं उस बोर्ड पे लिखिए। तो ये तरीका अपना के जो है आप रिविजन कर सकते हैं। सपोज डेट कि आपने कोई भी परसेंटेज उठा लीजिए कि आपने परसेंटेज जो है चैप्टर पढ़ा, ठीक है। परसेंटेज का जो भी बेसिक था आपने पूरा बेसिक पढ़ लिया, परसेंटेज के आपने क्वेश्चन लगा लिए 7 8 10 20, जो भी आपने मान लो 20 क्वेश्चन भी परसेंटेज के कर लिए। अब आती है बात रिवीजन की। तो रिवीजन क्या कीजिएगा, 3 बार उस चीज को पढ़ना है आपको कि कौन से क्वेश्चन को किस पैटर्न पे बनाया गया है। फिर 2 बार उस पैटर्न को खुद से करने का कोशिश करना है कि ये वाला क्वेश्चन है इसको इस तरीके से मुझे बनाना है। और 1 बार लास्ट में जो कीजिएगा कि सारा क्वेश्चन आपके पास रहेगा और उस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है। और 5वीं जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा और मॉडल पेपर देना पड़ेगा। तो इन सब के लिए आप जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप जो हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप आप सर्च कर लीजिएगा दिवीजा ट्यूटोरियल क्लासेस, आप लोगों को और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा दिवीजा ट्यूटोरियल क्लासेस, ठीक है। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको जो है भैया यहाँ से टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। आप नवोदय का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, यहाँ पे आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा, है ना। चैप्टर वाइज जो है आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, यहाँ से आपको मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप अपने आप को वहाँ पे एनालाइज कर पाइएगा कि आपका स्कोर जो है कितना हो रहा है। आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और इस वीडियो से आपको जो है हेल्प मिला होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।